मैं मेमी सईद हूँ और हम एक कल्चरल ग्रुप हैं, म्यूज़िक आर्टिस्ट एसोसिएशन है. तो आई स्टार्ट विद कि क्या हुआ था हमारे साथ. बहुत ही दुख के साथ, विद ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट एंड अपॉइंटमेंट एंड आउटरीच, वी आर्टिस्ट हु आर प्रॉमिस्ड पेमेंट फॉर आवर सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स थ्रू द कल्चरल एकेडमी शेयर द स्टोरी ऑफ अ फ्रॉड कमिटेड बाय मिस्टर महमूद शाह, अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो हमें बुक किया गया था इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के थ्रू दुबई जाने के लिए. दुबई एक्सपो 2020 फिक्की का एक इवेंट हो रहा था दुबई में, और हमें बुक किया गया था. मिस्टर महमूद शाह ने बुक किया था हमें सभी आर्टिस्ट को, और हमें वहाँ 15 दिन का ट्रिप कराया, हमसे परफॉर्म कराया 12 दिन के लिए. 15 दिन के लिए वहाँ थे और 12 दिन के लिए हमें परफॉर्म कराया. और हमारे बीच में एक कमिटमेंट हुई थी पैसों की, जो कि वो निभा नहीं पाए, जिसका इवन 20% भी हमें नहीं दिया गया. पूरा साल भर हमें ये बोलते गए कि कमिटी है, मतलब डॉज किया गया हमें कि अभी जी कमिटी बिठा रहे हैं, वेरीफाई करना है. जितने भी सारे दुनिया के बहाने थे वो उन्होंने बनाए, जबकि हम इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे वहाँ परफॉर्म करने के लिए, अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए और अपने टैलेंट को शोकेस करने के लिए. बट वहाँ से वापस आके हमें पता चलता है कि हमारा पैसा हमें नहीं दिया जा रहा था, हमें डॉज किया जा रहा था, हमें आजकल करके बोला जा रहा था कि कमिटी बिठाएंगे, किसी और डिपार्टमेंट को सौंपा गया वो. बट एनीवे, मैं इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, मनोज सिन्हा साहब का, कि वो बहुत ज़्यादा इस टाइम प्रमोट कर रहे हैं आर्ट और कल्चर को, और बहुत ज़्यादा चांसेस दे रहे हैं कल्चरल ग्रुप्स को, म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं. और वो भी वहाँ पे थे पवेलियन में, और उन्होंने भी हमें वहाँ पे विटनेस किया कि हमने परफॉर्म वहाँ पे कितने अच्छे से किया. इनफैक्ट पूरी इंडिया के अंदर जम्मू एंड कश्मीर स्टूड सेकेंड नंबर पे जम्मू एंड कश्मीर आया था जस्ट बिकॉज ऑफ आवर परफॉर्मेंसेस. तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी उनको, और उसके साथ साथ जो डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के कई सारे ऑनेस्ट ऑफिसर्स भी हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और जिसकी वजह से ये फ्रॉड का हमें पता चला. तो ये जो पूरा इवेंट था, इसका बजट 5.5 करोड़ का था. 5.5 करोड़ के अंदर हमें, हम सबको, सबके साथ वकार बैठे हैं, सबके साथ कमिटमेंट थी 2.25 लाख की. तो वहाँ से वापस आके हमें पता चला कि पहले तो डॉज किया, डॉज करने के बाद जब पता चला, थोड़ा सा जोर लगाया, थोड़े ऑनेस्ट ऑफिसर्स को अप्रोच किया, तो पता चलता है टू आर सरप्राइज कि उसमें प्रपोजल में ही लिखा गया है कल्चरल ग्रुप, और लमसम में 5.5 लाख का बजट बनाया है, विच मींस बस 22% जो उन्होंने कमिट किया था. तो उसके हिसाब से हमारा फ्रॉड हुआ है. हम ये जानना चाहते हैं, हम सभी ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द आर्टिस्ट, और कुछ लोग जम्मू से नहीं आ पाए, बस कुछ ही लोग आ पाए हैं जम्मू से, सभी नहीं आ पाए, बट मैं सबके बिहाफ पे ये चाहती हूँ कि इंक्वायरी बिठाई जाए और हमें बताया जाए कि वो जो पैसा 5.5 करोड़ का बजट था, अगर जेन्युइन लोगों को नहीं मिला है तो वो गया कहाँ है.